नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, चाहे किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालिए, ये बहुत सुंदर लगेगा। आप इसे बेबी फ्रॉक में डालिए, स्टॉल में डालिए, श्रग में डालिए या शॉल में डालिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो आप बॉर्डर बना लीजिए, जो भी आपको बॉर्डर पसंद हो वो आप बना सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। हमारा डिजाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है, तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बना लिए। अब हमें अपना सेकेंड कलर अटैच करना है। हम रॉन्ग साइड में हैं और अब हमें अपना सेकेंड कलर अटैच करना है। तो हमने अपना सेकेंड कलर अटैच कर लिया। अब हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड, तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हमने अपने दूसरे कलर से सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम राइट साइड में हैं और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 तो 5 फंदे हमने उल्टा बुन लिए। पहला फंदा एज स्टिच है और 5 फंदे हमने उल्टा बुन लिए। अब 5 फंदों को हम सिलाई में 3 बार ऊन लपेट के उल्टा बुनेंगे। एक बार लपेटा, दूसरी बार लपेटा और तीसरी बार लपेटा और उल्टा बुन लिया। ये हुआ दूसरा फंदा। एक बार लपेटा, दूसरी बार लपेटा और तीसरी बार लपेटा। 2, 1, 2, 3। ये हो गए 4 फंदे और ये हमारा 5वां फंदा, जिसे हमने 3 बार सिलाई में ऊन लपेट के उल्टा बुन लिया। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब लास्ट में 6 फंदे बचे हैं, तो 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है, तो हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से ही सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, ये हमने 3 बार लपेटा था, तो इसे हम बुनेंगे और ये अपने आप खुलता चला जाएगा। सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। ये हम उल्टा बुनेंगे, लपेटा हुआ फंदा अपने आप खुलता चला जाएगा। तो हमने तीसरी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सेकेंडरी कलर के ऊन से 4 लाइन बुना है और चारों लाइन को हमने उल्टा उल्टा बुना है। दूसरी लाइन में हमारा डिज़ाइन पड़ रहा है और शेष 3 लाइन को हमने उल्टा उल्टा बुना है।
तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब लास्ट फंदा बचा है तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और पांचवा लाइन है, ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है, तो अपने प्राइमरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पांचवी लाइन में प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पांचवी लाइन में हमने अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम राइट साइड में हैं और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है, तो हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। छठी लाइन में सभी फंदों को सीधा। अब ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिज़ाइन का आठवां लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और अब हम पांच फंदे सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। एक हुआ, एक बार लपेटा, फिर दूसरी बार लपेटा, फिर तीसरी बार लपेटा और उल्टा बुन लिया। दो, एक, दो, तीन, तीन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, और ये पांचवा फंदा हो गया। सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए ये पांचवा फंदा हो गया। अब पांच फंदे हमें नॉर्मली उल्टा बुनने हैं। दो, तीन, चार, पांच, और फिर पांच फंदे सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। एक, दो, तीन, चार, पांच, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब डिजाइन का नाइन्थ रो है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। लपेटे हुए फंदे अपने आप खुलते चले जाएंगे, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे और लपेटे हुए फंदे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और दसवीं लाइन में पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। लास्ट फंदा जिस स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। अब फिर ग्यारहवें लाइन में अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। और बारहवीं लाइन में सभी फंदों को सीधा। तो बारह लाइन में हमें सिर्फ दो लाइन सीधा बुनना है, छठा लाइन और बारहवां लाइन, बाकी सभी लाइन हमें हमने उल्टा बुना है। डिज़ाइन उल्टे फंदों पे बेस्ड है, शेष सभी लाइन हमने उल्टा उल्टा बुना है। अब देखिए
जिन पांच फंदों को हमने तीन बार लपेटा था, अगली बार हमें जहां हमने नॉर्मली पांच फंदों को बुना था वहां पे डिजाइन बनेगा। तो 12 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और देखिए डिजाइन ऐसे बनके तैयार होगा। कितना खूबसूरत डिजाइन है, चूंकि डिजाइन खुलने वाला है तो ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बेहद खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बेहद खूबसूरत है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। तो डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।